नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भंडारा जिले में सरकारी धान केंद्र पर हो रही किसानों की लूट और कर्मचारी किसानों से हो रही बदसलूकी से जिला किसान परेशान है। वहीं आपको बता दें कि जिले में भारी बारिश होने से सरकारी धान केंद्र में रखे गए किसानों के धान को रखने की व्यवस्था पूरी नहीं होने से किसान बेबस और लाचार होते नजर आ रहे हैं। संचालक सुभाष बोरकर की कार्रवाई के बाद सुविधा बढ़ाई गई और वहीं किसानों के साथ लूट रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात संचालक ने कही है। कल जो हमारे राइसमिल में जो घटना हुई, उस बात से किसानों से जो व्यवहार हुआ, इसके लिए हम आने वाले दिनों में चौकसी करेंगे और जो कार्रवाई होंगी उचित तरह से कार्रवाई होंगी। और यहाँ जो केंद्र पे धान चल रहे हैं, जिन किसानों का माल अभी कुछ बचा है, सबसे पहली बात कि ये बहुत बड़ा सेंटर है और ये सेंटर में सबसे ज़्यादा गांव है और बड़ा सेंटर होने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हम अभी कुछ गाँव में नए सिरे से केंद्र चालू कर रहे हैं और जल्द ही किसानों की समस्या सुलझेंगी, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट से कुछ डीओ जल्दी मिले तो हमारे गोडाउन खाली होंगे, तो जल्द से जल्द किसानों का माल लिया जाएगा।